आला कमान की तरफ से जो इशारा मिल रहा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत का नाम तय है, लेकिन अधिकृत बयान आखिरकार कोई क्यों नहीं दे रहा है, जिसके चलते इस ड्रामे में सस्पेंस, रोमांच और थ्रिलर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देर रात तक, सर्द रातों में राहुल गांधी आधी रात तक इस पर मंथन करते हैं, लेकिन किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अब बताया जा रहा है कि 10:30 बजे एक बार फिर फाइनल बैठक होगी, उसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट टस से मस नहीं हो रहे, उन्होंने तय कर लिया, मैं नहीं तो अशोक गहलोत भी नहीं। तो अशोक गहलोत बोला कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, दोनों में से पसंद नापसंद आला कमान तय नहीं कर पा रहे। जब आला कमान नाम का घोषणा नहीं कर पा रहे तो मीडिया, विधायक, समर्थक, कार्यकर्ता, दिनेश चुनाव प्रचार से लेकर अब तक यही कहा जाता रहा दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, कि जो आला कमान तय करेंगे वो हमें स्वीकार होगा। आज जब आला कमान तय कर रहे हैं तो दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, दोनों में से कोई राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं। नौबत ये है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को पहुंचना पड़ता है। जी देखिए, ये सियासत है, यहाँ साधु बने रिमा कोई नहीं आते। कुर्सी की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक राजनेता है वो जा सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा। लेकिन अभी आपने अशोक गहलोत का बयान सुना कि जब फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है, जो वो तय करेंगे वो हमें मंजूर होगा। गहलोत ने कहा कि इंतज़ार करिए, लेकिन कितना इंतज़ार, 3 दिन हो गए, वो इंतज़ार कब खत्म होगा खुद अशोक गहलोत, सचिन पायलट बताने की स्थिति में नहीं है, प्रभारी अविनाश पांडे कुछ नहीं बता पा रहे। आज अहम बैठक ये एक बार दिल्ली में होगी 10:30 बजे, उसमें आला कमान तय कर लेगा कि हाँ हमें इस नेता को बनाना है। जरा दर्शकों को अपडेट भी कर दे, बड़ी खबर भी लगातार हम तक पहुंच रही है। तो आज 12 बजे तक साफ हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम, 10:30 बजे फाइनल बैठक होगी। राहुल गांधी की आवाज पर आलाकमान नहीं है दबाव में आने के मूड में, बीच का रास्ता निकल जाएगा। सोनिया गांधी और अहमद पटेल भी सक्रिय। आज छत्तीसगढ़ का भी फैसला होना है, चरणदास महंत भी दौड़ में, टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल पहले से ही बेस में थे। तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या फैसला आना है और राजस्थान को लेकर क्या कुछ होना है, इस पे हमारी नजर बनी हुई है। और अब तस्वीर बिल्कुल साफ होने के कागार पे कह सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे की जो ये मीटिंग है वो निर्णायक मीटिंग कह सकते हैं। इसमें ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल जैसे दिग्गज चेहरे भी, कांग्रेस पार्टी के पुराने चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा एक बार फिर से वो सिलसिला चलेगा जो कल से हमें देखने को मिल रहा है, यानी एक बार फैसला भी सुनाया जाएगा और जो दूसरा चेहरा नाराज होगा उसको मनाने की भी हर संभव कोशिश। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी तमाम बने हुए हैं, फिर से हम रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। दिव्य इस वक्त एयरपोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्य, आपके पास क्या जानकारी? हाँ जी, देखिए देखिए, जिस तरीके से कल अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में शाम को जैसे ही अशोक गहलोत के जयपुर आने की सूचना मिली तो एयरपोर्ट प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद था और तैयारियों की तैयारियाँ किए हुए था। लेकिन ये भी सूचना थी कि अशोक गहलोत सुबह दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के जयपुर आ सकते, तो लिहाजा इस तैयारियों इस सूचना को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी जो पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कर रखी हैं। लेकिन जो अंदर खाने से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सूचना मिली है, एयरपोर्ट पे भी जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के भी सुरक्षा अधिकारी जो है वो फर्स्ट इंडिया की जो सूचना उसको अहम मान रहे हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है कि अभी 10:30 बजे कांग्रेस का वहाँ पर दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ में बैठे होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम जो बड़े जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, अशोक गहलोत, तो सचिन पायलट के साथ में उनकी बैठक बातचीत की जाएगी। तो 10:30 बजे तक यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन सुरक्षा की लिहाज की बात की जाए तो यहाँ पे डॉग स्क्वाड यहाँ पे पूरी तरीके से राउंड लगा रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों की बात करें तो वो यहाँ पे सुरक्षाओं का जायजा यहाँ पे हर आधे घंटे में यहाँ पे सुरक्षाओं की जो जायजा की बात की है वो यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त को दुरुस्त की जा रही है। अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो GAD डिपार्टमेंट भी कंटिन्यू एयरपोर्ट प्रशासन से संपर्क में है।
कि जैसे ही अशोक गहलोत का यहाँ पे आगमन होता है तो जीएडी भी यहाँ, जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पहुँचेंगे। इस तरीके से तमाम जो प्रोटोकॉलिक तैयारियां हैं या हम एयरपोर्ट बिल्कुल सुरक्षा होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ जो चेहरा उतरेगा चाहे वो सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत, कोई एक नाम तो तय हो जाना है और वो होगा राजस्थान का अगला सीएम। भले ही वो शपथ ना ले लेकिन सीएम के तौर पर ही वो आएगा और सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही चाक चौबंद। और यही वजह है कि रिपोर्ट की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम अपने सहयोगी मनोज का रुख करते हैं। मनोज इस वक्त अशोक गहलोत के निवास के बाहर खड़े हुए हैं। मनोज, हमने कल की तस्वीर भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जब अशोक गहलोत के नाम सामने आने से पहले यानी जैसे ही वो दिल्ली से रवाना होने के लिए निकले, यहां खुशियों की लहर सारे कार्यकर्ताओं में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें, आज क्या स्थिति है, आज नजारा क्या है? जी रीमा, बिल्कुल बताना चाहूँगा, इस समय अशोक गहलोत के आवास पर काफ़ी खुशी का माहौल है। हालांकि अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है करीब 10:30 बजे से दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर एक बैठक होनी है जो करीब 12:30-12 बजे तक चलेगी, और उसके बाद कह सकते हैं कि राजस्थान का सीएम कौन होगा वो चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत ही वो नाम होगा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान का बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो गहलोत समर्थक हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पायलट समर्थक हैं, कह सकते हैं कि समर्थक किसी के भी हों, सीएम कोई भी बने, लेकिन जो समर्थक हैं उनका जोश, जुनून और उत्साह जब नियंत्रित रहता है तो कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब कभी भी उत्साह, जुनून, जोश क्रोध में बदल जाता है तो उसके बदले में जैसा कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं पूरे उत्साहित हैं, और कह सकते हैं कि जो उत्साह ये देखने को मिल रहा है अशोक गहलोत के समर्थकों में, अब यही जो बिल्कुल मनोज, आपकी आवाज बमुश्किल हम तक पहुंच रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है। हम अपने सहयोगी दिनेश का भी रुख करेंगे। दिनेश, कार्यकर्ता कल से ही ये नारा लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत नहीं आंधी है, राजस्थान का गांधी है, लेकिन सचिन पायलट इस बीच कहते हैं कि 5 साल तो हमने खूब पसीने बहाए हैं और कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बन रही है और सरकार बनने की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी है तो युवा जोश के बदौलत, सचिन पायलट की मेहनत की बदौलत। तो क्या माना जाए कि नाम तय हो चुका है, सिर्फ सचिन को मनाने की यहां पे कोशिश हो रही है? आतिशबाजी, मिठाई, आतिशबाजी, मिठाइयां बांटने, नारे, पोस्टर्स, ये जो जरूर है, वहाँ मारवाड़ का गांधी है नारे लग रहे हैं तो यहाँ भी जो है सचिन 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 के नारे लगा रहे हैं। खैर ये अलग है, आप कह रहे हैं कि नाम तय हो गया, मान लिया जाए रात को फिर 10:30 से 11:30 बजे सचिन पायलट को अपने बंगले पर बुलाते हैं राहुल गांधी, 1 घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जाहिर सी बात है अड़े हुए टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि 5 साल मैंने मेहनत की, आप हमारे पार्टी के आला कमान हैं, आप हमारे सब कुछ, उन्होंने तमाम चीज़ें दुआई दी, तो ये तो तय है, सहमति नहीं बनी, तय कर लिया लेकिन सहमति सचिन पायलट की तरफ से तो नहीं है। 1 घंटे बहुत होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातचीत करने में, तो सहमति बन जाती तो कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बना दिया था अंधेरी रात में, यहाँ भी अचानक विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती थी और जो नाम आला कमान ने तय किया उसके नाम पर मोहर लगा, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस चल रही है 2019 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति के तहत कि हमें नरेंद्र मोदी से भाजपा से कैसे मुकाबला करने वाला है, तो सभी नेताओं को साधना होगा, जातिगत सियासी समीकरण दोनों साथ। 2019 का दिनेश आप जिक्र कर रहे हैं, उस लिहाज से दोनों ही नेता जो हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, दोनों ही बहुत मायने रखते हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी ये कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वो मान मनोवल के साथ चाहते हैं कि जो भी मैं फैसला लूं वो दोनों ही नेताओं को माने हो, और इसके वजह से 2019 में कहीं कोई नुकसान की संभावना ना रहे, कोई स्थिति ना रहे, और दोनों ही उतनी ही एकजुटता से काम करें जैसे राजस्थान के रण में उन लोगों ने पसीना बहाया है। इसके पहले हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में ही ऐसे
ही मान मनोबल का दौर चलते रहा और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले आए, मीडिया को बाइट भी उन्होंने दिया और बाकायदा कह दिया कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है और मैं खुश हूं इस बात से कि कमलनाथ को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो क्या वैसी ही संभावना तलाशने की कोशिश राजस्थान में कि सचिन पायलट खुद ही आके कह दे, या अगर सचिन पायलट का नाम लिया जाता है तो अशोक गहलोत खुद आके कह दे कि नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल रिमा, बहुत अच्छा सवाल किया। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि सचिन पायलट अपनी रजामंदी दे, अशोक गहलोत के साथ बैठकर जयपुर आए, उनका प्रस्ताव रखे। और राहुल गांधी ने जिस तरह ट्वीट पोस्ट की, फोटो कमलनाथ की और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने अगल बगल में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाहर आया, बयान दिया और चीजें क्लियर हो गई। लेकिन सचिन पायलट ज्योतिरादित्य की तरह नहीं माने, ये आप क्लियर कर ले, सचिन पायलट नहीं माने, तभी ये दिक्कत आई। इसलिए अब 10:30 बजे फिर बैठक होगी, उसमें ये रास्ता है। तो कल कई घटनाक्रम बदले रीमा, कुछ सवालों के आप जाओगे घटनाक्रम में तो कई चीजें निकल कर आई। तमाम सीनियर्स लीडर, जो चाहे अहमद पटेल हो, गुलाम नबी आजाद हो, मुकुल वासनिक हो, एक सवाल दिनेश और भी कि क्या कभी ऐसा हुआ कि सचिन पायलट का नाम आगे बढ़ाया गया हो, ये कहा गया हो कि सचिन पायलट अगले सीएम होंगे और उस स्थिति में नाराज अशोक गहलोत हो, वो जिद पे अड़ जाए, वो अपनी तरफ से दलीलें दे, कभी इस तमाम बैठक के दौरान ऐसी भी स्थिति बनी क्या? रीमा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनेंगे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी की पसंद सचिन पायलट थी। कल हमारे जो सूत्र है राहुल गांधी के आवास पर, 10:00 बजे तक वो सचिन पायलट को आगे करके चले थे। मैं एक घटनाक्रम बताता हूँ, राहुल गांधी हमेशा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के घर जाते हैं, वो दोनों कभी 12 तुगलक लेन राहुल के घर नहीं आते, लेकिन कल दोनों बार राहुल के घर आए। जिस तरह बेटा जिद पकड़ता तो आखिर में माँ मनाते हैं और बहन मनाती है, दोनों माँ और बेटी राहुल को मनाने आए कि प्लीज जीत छोड़िए, हमें लोकसभा चुनाव जीतना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कद है, कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस देरी से, इस डिले से नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो राहुल गांधी की भी यह साख अब दांव पर लग चुकी है। तो राहुल गांधी अड़ गए, सिर्फ दाव ही नहीं लगा है इज्जत, बल्कि ये भी हो रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतर रहे हैं और कई जगहों से ऐसी भी खबरें मिल रही है कि वो आपस में भिड़ रहे हैं।